आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हम कौन से ऑपरेटर्स पढ़े, कौन से ऑपरेटर्स में आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कौन से फंक्शंस इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स के अंदर कौन सी बॉडीज क्या क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या फंक्शंस है इन प्लांट्स। कौन से ऑपरेटर्स इज मेनली इन्वॉल्व इन द सेक्रेशन ऑफ मटेरियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो कौन से ऑपरेटर्स है वो किस किस सेक्रेशन में इन्वॉल्व है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं जो प्लांट्स की आपने पढ़ा था ना लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, उसकी फॉर्मेशन में या उसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो इस वॉल के अंदर लिपिड पेक्टिन मैनोमर्स ऑफ हेमी सेलुलोज और लिग्निन जो कि सेल वॉल के अंदर होते हैं, उनमें जो है ना ये प्राइमरी सेल वॉल इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग होता क्या है प्लांट्स के अंदर, साइटोकाइनेसिस हो रही होती है ऑफ माइटोसिस या मियोसिस, यानी कि मियोसिस के बाद या माइटोसिस के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, यानी कि जब दो सेल जो है ना आपस में अलैदा हो रहे होते हैं, अलैदा हो रहे होते हैं, द वेसिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स, जो वेसिकल जो है ना ओरिजिनेट हो रही होती है पेरिफेरी से गॉल्जी ऑपरेटर्स की, वो क्या करती हैं, वो गॉल्स मतलब कि फ्रैग्मोब्लास्ट का जो एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पे दो सेल्स ने आपस में डिवाइड हो जाना होता है, उस सेल के ऊपर ये जो गॉल्जी वेसिकल्स होती हैं ये एक सेमी सॉलिड की लेयर्स बना रही है। अब ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। जो यूनिट्स होते हैं गॉल्जी बॉडीज के, ये आपस में यानी कि अलग अलग अगर वेसिकल्स हैं लेयर में, ये अगर अलग अलग वेसिकल्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज होके एक जो है ना वो लेयर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर सेल प्लेट बोलते हैं। द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्जी वेसिकल फ्यूज ड्यूरिंग द सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट के फॉर्मेशन के दौरान इनकी जो यूनिट वेसिकल्स होती है ये फ्यूज हो जाती है एंड बिकम अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल, और फिर ये लेयर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है जब दो सेल आपस में सेपरेट होते हैं। तो ये रोल है गॉल्जी बॉडीज का प्लांट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गॉल्जी फंक्शंस इन एनिमल, एनिमल के अंदर जो है ना गॉल्जी बॉडीज के क्या क्या रोल, बेसिकली हम जूलॉजी पढ़े हैं तो एनिमल्स के अंदर इसके बेसिक फंक्शंस देखते हैं। इन एनिमल्स द गॉल्जी ऑपरेटर्स इज इन्वॉल्व्ड इन द पैकेजिंग एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल की एक्सोसाइटोसिस और पैकेजिंग में इन्वॉल्व। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल बनना है तो वो सेल को उसके बाहर ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प आउट करेगा, और दूसरा जो है ना उसकी पैकेजिंग में रोल प्ले करेगा जूलॉजी बॉडी की। नेक्स्ट है हमारे पास जाइमोजन ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स, यानी कि जो जाइमोजन सेल्स हैं एक्सोक्राइन एंड पैंक्रियाटिक सेल्स उनमें रोल प्ले करेगा। जाइमोजन क्या होते हैं, जाइमोजन होते हैं एक लार्ज टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स जिसके अंदर जाइमोजन सेल निकल होते हैं, जिसके अंदर जो सिक्रीशन होती है वो स्टोर फॉर्म में होती है। अब जाइमोजन ऑफ एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स क्या है कि एक्सोक्राइन एंड आपको पता है कुछ बैंक की आदत है कि दोनों तरह करता है, कि एज एन एंडोक्राइन सेल्स भी एक्ट करता है एंड एज अ एक्सोक्राइन सेल्स भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन एक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रोड्यूस करेगा, और जब एक्सोक्राइन एंड एक्ट करेगा तो एक्सोक्राइन के दौरान ये क्या बेसिकली बनाएगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये बनाता है। तो जाइमेटिन ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स क्या है कि जो पैंक्रियाटिक सेल्स के एक्सोक्राइन सेल्स हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव सिक्रीशन बनानी है, यानी कि वो जो सेल्स हैं स्पेसिफिक सेल्स हैं उनको बोला जाता है एक्विनॉर सेल्स, वो क्या करते हैं कि जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर वो अपनी एक स्पेसिफिक सिक्रीशन बनाते हैं, और उन सिक्रीशन की पैकेजिंग का काम बेसिकली यहाँ पे हो रहा होता है इसके अंदर एक्सोक्राइन गॉल्जी बॉडीज के अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन बाय वो ब्लड सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होती है जो वो ब्लड सेल इंटेस्टाइन में कर रहे होते हैं उनको सिक्रीट करना, उनकी पैकेजिंग का काम भी गॉल्जी बॉडीज कर रही होती है। नेक्स्ट है लैक्टोप्रोटीन सिक्रीशन
मेमोरी ग्लैंड्स है जो लेप्टो प्रोटीन्स है, यानी कि लेप्टो जो मिल्क प्रोड्यूसर होता है, किसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, वो भी किसका रोल है, वो भी गॉल्जी बॉडीज का रोल है। और ये बेसिकली क्या सिक्रीशन है, ये बेसिकली मीरोक्राइन सिक्रीशन लिखी हुई है अवार्ड। ये मीरोक्राइन सिक्रीशन का क्या मतलब है कि एक ऐसी टाइप की सिक्रीशन है जिसमें सेल्स अपने जो प्रोडक्ट होते हैं करते हैं, जैसा कि हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गया, एक ऐसे प्रोसेस के जरिए जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, विदाउट डैमेजिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अपनी सिक्रीशन को सेल के बाहर प्रोड्यूस करते हैं, बट इस वे में प्रोड्यूस करते हैं कि जो सेल है वो कोई डैमेज नहीं होता। इसमें होता क्या है कि सेल एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, एक वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स सेल के अंदर से जो तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो वो उसके साथ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, तो वहां से वो जो है ना सेल के आउट जो है ना सेल के बाहर भी जाते हैं, और इस वे में रिलीज होते हैं। जो सेल कंटेंट है या सेल का फंक्शन है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, यानी कि उसको ग्रैन्यूल्स के बाहर जाने या उसके साथ गॉल्जी बॉडी मेम्ब्रेन के साथ होने या मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने या मेम्ब्रेन के साथ एपिसाइटोसिस करने में जो सेल की जो एक्टिविटीज है या सेल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल क्या रहता है, सेल बिल्कुल इंटैक्ट रहता है इसमें। तो सिक्रीशन ये काम कर, ये इसको बोलते हैं ना मीरोक्राइन सिक्रीशन। इसके बाद इसके अलावा एक होलोक्राइन सिक्रीशन भी होती है जिसमें सेल को बेसिकली इफेक्ट होता है। देन होता है सिक्रीशन ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास है थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायरॉइड ग्लैंड, थायरोग्लोबुलिन, इनकी सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद जो है ना वो ट्रोपोकोलेजन एंड कोलेजन मॉलिक्यूल, इनकी जो सिक्रीशन है इनमें गॉल्जी बॉडीज का हमारे पास रोल है। तो बाद आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिलानिन ग्रैन्यूल्स एंड अदर पिगमेंट, इनकी फॉर्मेशन बेसिकली जो सिक्रीशन होती है जहाँ पे इन्होंने बनना होता है, इसके बाद जो होता है इनमें रोल प्ले करते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ योग एंड वेटिलाइन मेम्ब्रेन ऑफ ग्रोइंग प्राइमरी साइट्स, योग की फॉर्मेशन में, और वेटिलाइन जो मेम्ब्रेन होती है योग के जो होती है उसकी जब प्राइमरी साइट बन रहा होता है उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा इट इज आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, एक्सोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जो वैरायटी ऑफ टू साइट्स हैं उनमें रोल प्ले करती है गॉल्जी बॉडी। नेक्स्ट है, हमने एक बेसिकली इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो छोड़ा था, ग्लाइकोसाइलेशन इन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसाइलेशन इन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, तो गॉल्जी बॉडीज प्ले अ की रोल इन असेंबली ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी कि जब लिपिड प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऐड होता है तो बेसिकली उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और वही अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की असेंबली है, यानी कि ये दोनों मिली हुई है, इनमें गॉल्जी बॉडीज एक की रोल प्ले करती है। हमने पिछले वाला जो टॉपिक था जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने बोला, जिसमें हम एन लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट या एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ रहे थे, जहां हमने बोला था कि जो ग्लूकोज रेसिड्यू है वो जस्ट जो है ना रिमूव हो जाते हैं, जो हमने वो कार्बोहाइड्रेट की आई थी कितनी पड़ी थी कि 5 मैनोज रेसिड्यू होते हैं, और 9 जो है ना वो हमारे पास एक और कार्बोहाइड्रेट होती है वो होते हैं, और 3 जो बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज रेसिड्यू होते हैं, 14 कार्बन शुगर हमने पढ़ी थी ग्लूकोज से, राइट। वहाँ पे हमने यहाँ पे उसकी जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो वहाँ पे हमने एंड की थी कि जहाँ पे उसकी ग्लूकोज रेसिड्यू जो है ना वो उसके साथ हट जाते हैं, वहां से आगे जो प्रोटीन है बेसिकली वो अब जा रही होती है एंडोप्लाज्म में गॉल्जी बॉडीज की तरफ। अ न्यूली सिंथेसाइज्ड सॉल्युबल एंड मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन वो कहाँ से पास होती है, फिफ्थ एंड मीडियल सिस्टर ने जो गॉल्जी स्टैक होती है वहां से पास होती है, और यहाँ से इसके जो बेसिकली बहुत सारे जो मैनोज रेसिड्यू होते हैं
ग्लूकोज रेजिड्यू तो पहले खत्म हो गए थे ना, अब जो उसके मैनोज रेजिड्यू होते हैं वो भी ग्लूकोज के साथ, जो ये जो मैनोज रेजिड्यू होते हैं फोर सबस्ट्रेट ओलिगोसैकेराइड के साथ है, वो भी हट जाते हैं। और जब ग्लूकोज और मैनोज दोनों हट जाते हैं तो वहां से अदर जो शुगर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, वेरियस ग्लाइकोट्रांसपोर्टेशन एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड कर देती हैं। अब ये जो ग्लाइकोट्रांसपोर्टेशन कोई भी शुगर ऐड करता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्लाइको ट्रांसफरेज पहले मौजूद है, यानी कि एंजाइम की क्या अरेंजमेंट है, वो उस लिहाज से जो है ना इस जो प्रोटीन के एंड वे जो बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन हुई थी, जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुई हुई थी, वहां पे शुगर की एडिशन हो रही होती है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द सीक्वेंस जिसमें शुगर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है ओलिगोसैकेराइड के अंदर, ये कौन डिटरमाइन करता है? स्पेटियल जो अरेंजमेंट है स्पेसिफिक ग्लाइको ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि इस न्यूली जो सेंथेसाइज प्रोटीन है इसके साथ आके अटैच होती है, जैसे ये प्रोटीन मूव करती है गॉल्जी यानी कि गॉल्जी बॉडीज के अंदर से ये प्रोटीन मूव कर रही होती है। द एंजाइम जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला है कि सैलिएज ट्रांसफरेज फॉर एग्जाम्पल एंजाइम है जो कि क्या करता है कि ये एंजाइम सैलिक एसिड जो टर्मिनल पोर्शन है इस चेन टैनी मसल के अंदर उसमें ये सैलिक एसिड को मतलब रखता है उस चेन के, ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, ये जो एंजाइम है ये लोकलाइज्ड है ट्रांसफेज ऑफ गॉल्जी बॉडीज के ऊपर ये एंजाइम मौजूद है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना ये मूव करेगी टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनेल, तो उसके ऊपर सीक्वेंशली जो है ना सैलिक एसिड ऐड हो जाएगा। इन कंट्रास्ट टू ग्लाइकोसाइलेशन इवेंट जो कि ईआर में हो रहे थे व्हिच एग्जांपल अ सिंगल कोर ओलिगोसैकेराइड, और ग्लाइकोसाइलेशन स्टेप जो है ना वो ग्लाइको गोल्जी बॉडीज में डिफरेंट है बनिस्बत जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दे रहे थे, प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स डोमेन ऑफ रिमार्केबल सीक्वेंस डाइवर्सिटी इसके अंदर जो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स डोमेन या कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस और डिफरेंट है और डाइवर्स है, अनलाइक एनी ग्लाइकोसैकेराइड जिनकी सिंथेसिस जो है ना वो ईआर में प्रोड्यूस हो जाती है जो कि अटैच हो जाते हैं प्रोटीन के साथ बाय कोर लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वो असेंबल गॉल्जी बॉडीज के अंदर वो पूरी तरह जो है ना वो असेंबल्ड होते हैं। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आल्सो अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जिसमें कि ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन चेन्स ऑफ प्रोटीओग्लाइकेन मौजूद है, इसके अलावा पेक्टिन एमिन सेलुलोज जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर मौजूद है इनकी जो सिक्रीशन है इनमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, बेसिकली सिर्फ गोल्जी है यहाँ पे, जहाँ पे पहले देखें कि ये क्या क्या है, ये लैक्टोज के रेजिड्यू है जो आपको ये ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये जिनका फेस आपको ऐसा नजर आ रहा है ये लैक्टोज ऊपर वाला ये पायरामिड शेप टाइप का ट्रायंगुलर सॉरी, और ये देखें ये जो उल्टे हैं ये सारे मैनोज के रेजिड्यू है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैनोज के रेजिड्यू है सिस गोल्जी के ऊपर, देखें अल्फा मनाई ठीक है, और यहाँ पे देखें एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये दो जो गोल्ड कलर के हैं ये एन ग्लूकोज अमाइन है, ये हमारे पास जो है ये सैलिक एसिड है, ये देखें एंड जहाँ पे ट्रांसफेज अब ये जहाँ पे ऐड हुआ है और ये ग्लूकोज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखते जाएंगे किस किस की एडिशन हो रही है, स्टेप वन पे देखिए सिस गोल्जी के ऊपर मैनोज रेसिड्यू ऐड हुई है और यहाँ पे हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, फिर मैनोज रेसिड्यू हटे हैं यहाँ पे और लैक्टोज एंड इसी ट्रांसफरेज एंजाइम वन सिस गोल्जी मीडियल गोल्जी से गुजर रहे हैं, यहाँ देखिए ये मैनोज रेसिड्यू यहाँ से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट देखें मैनोज रेसिड्यू टू जो है ना उसने मैनोज यहाँ पे मैनो मैनोडाइज बेसिकली इसलिए क्या कर रहा है, ये मैनोज रेसिड्यू को अब कट ऑफ कर रहा है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे बस हमारे पास सिर्फ 1 2 3 मैनोज रेसिड्यू रह गए, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ग्लूकोज अमाइन के मॉलिक्यूल रह गए, गैलेक्टोज एंड इसी ट्रांसफरेज टू इसमें एन गैलेक्टोज है उसमें ट्रांसफरेज यानी कि इसने एक और गैलेक्टोज अमाइन जो है ना यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे अब ग्लूकोज लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम ने यहाँ पे ऊपर गैलेक्टोज का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड कर दिया है, और यहाँ पे एंड पे देखें कि सेलियाइड साल ट्रांसफरेज एंजाइम जो ट्रांसफरेज पे जैसे जैसे ये जो
एंड ये जो चेन ऑफ प्रोटीन थी, ये जैसे जैसे गुजर रही थी, यानी कि सिर्फ फेज ऑफ गॉल्जी से लेके मीडियल गॉल्जी से अब से ट्रांस फेज की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो चेंजेस आ रहे थे। एंड पे क्या हुआ कि सेलियल ट्रांसफरेज ने इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे फ्यूकोज ने जो है ना ये फ्यूकोज भी ऐड किया, और गैलेक्टोज ने गैलेक्टोज अमाइन ने एस्टाइल अमाइन भी ऐड किया, साइलेक ट्रांसफरेज ने यहाँ पे साइलेक जो है ना यहाँ पे ऊपर ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये इसने ऐड किया। तो जैसे ही ट्रांसफरेज के पास से गॉल्जी अपनी प्रोटीन जो निकली है उसके ऊपर ये बॉडी मॉडिफिकेशन जो है ना ये मौजूद है, और इस तरह प्रोटीन जैसे जैसे ईआर से लेके यहाँ पे जाती है लैक्टोज अमाइन की तरफ, सॉरी इस तरफ जाती है ट्रांसफेज ऑफ गॉल्जी से निकलती है, तो इसमें ये वाली मॉडिफिकेशन इस टाइप की मॉडिफिकेशन जो है ना हो चुकी है। ये तो आपको जस्ट एक एग्जांपल देके बताया गया, एक मॉडिफिकेशन है इस टाइप की, काफी सारी मॉडिफिकेशन होती हैं प्रोटीन में, काफी सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। तो इसको आपने देखना है, इसको पीछे से लिंक करके पढ़ना है कि प्रोटीन जो बनती है उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो गॉल्जी बॉडीज में किस तरह होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है।